अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और व्लॉग्स इन इंडिया। सो कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, हम शाम के वक्त यहाँ पहुँच गए थे खिचड़ शरीफ। और फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह ही शूट कर लूँगी। हम लोग फ्रेश होके नाश्ता वाश्ता करके फिर हम लोग यहाँ आए थे सुबह के टाइम। ये यहाँ का मेन गेट है और मैं आपको बता दूँ, खिचड़ा शरीफ जो है वो यूपी में अकबरपुर में है। और जो ये जो मखदूम पार्क का जो जो जहाँ ये रहते हैं, तो वो एरिया का ही नाम खिचड़ा शरीफ है। हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट है। ये पूरा आपको आमने सामने आपको पूरी लाइन से दुकान दिखेगी। आप देखिए, हमने यहाँ से हमने चादर ली थी जो मज़ार पे जो डालते हैं, हमने चादर ली थी। ये मेरे अब्बू जान के पहचान के थे, अब्बू के फ्रेंड थे, तो हमने उनकी ही शॉप से चादर ले ली थी। हम सब जा रहे हैं चादर उधर लेके। कितना प्यारा मार्केट है, आपको यहाँ पे टक्की मिल जाएगी और वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको आगे आगे आपको पता चलेगी यहाँ पे सब जो चीज़ मिलती है किस लिए काम आती। आप इसे देखिए, हम अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ अभी दिन में उतना रश नहीं है, बट शाम में बहुत रश था। जब हम शाम में जब यहाँ पहुँचे थे, तो आप देख सकते हो जो एरिया दिख रहा है, यहाँ सारी लेडीज़ ही रहती हैं, मतलब जेंट्स भी रहते हैं, बट यहाँ पे इसी एरिया को अदालत कहा जाता है। जिनके आंग में कुछ होता है, मतलब कुछ टोना जादू वगैरह जो भी होता है, तो यहाँ पर मगरिब के टाइम अदालत लगती है। और जिनके भी ऊपर कुछ होता है तो वो जाहिर होना शुरू हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। ये रहा ऊपर का हिस्सा जो मेन एरिया जो आता है, और ये नीर का पानी है। ये मतलब दरगाह के पीछे साइड का एरिया है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है ऊपर और कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ भी आपको लाइन से मज़ारे दिख जाएंगी। और ये है मेन शाह का आस्थाना, जहाँ पे वो है, बहुत ही खूबसूरत है वो। और यहाँ हर साल उर्स होता है, मुहर्रम के टाइम होता है, और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ काफ़ी सारे मज़ारे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। आपको सच में बहुत, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज़ यहाँ पे आइए अगर आप मानते हो तो। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ से निकलने लगे थे, तो ये जो आपने देखा था ना सामने जो अदालत का जो हिस्सा था, वहाँ पे जो चढ़ने वाला जो हिस्सा था, तो ये वही हिस्सा है। नीचे उतर रहे थे। और ये रहा नीर का पानी, आप इसे नीर की झील भी कह सकते हो। और ये पानी में इतनी शिफा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, सच में आप ये पानी थोड़ा सा पीजिए या आप इससे नहा लीजिए, तो आपके सारे ही जो प्रॉब्लम है ना, आप दूर हो जाएगी। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही पावरफुल जो पानी कह सकते हो आप, वो है ये। आपने जो स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ पे वाइट पूरी डबकी थी और लोटा वगैरह देखा था ना, यहाँ पे जो लोगों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो लोटे से लेते हैं। आया यहाँ तक कि आप मिट्टी का भी मटका मिलता है, तो ये पानी से नहाते हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। आप यहाँ ज़रूर आइए। फिर हम यहाँ से निकलने लगे थे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।